दोस्तों, विकास का नाम क्या है? विकास जो है इस नई मुंबई में जो लोग 35 वर्ष से अधिक रह रहे हैं वो जानते हैं किस प्रकार से ये 29 गांव वाली इस नई मुंबई नगरी को जिस प्रकार से बनाया गया, तराशा गया, तब जाके ये शहर महाराष्ट्र में नंबर 1 और देश में नंबर 3 पे लगातार आता रहा। ये ऐसे ही नहीं आता है, इसके पीछे मेहनत होती है। कई लोगों ने कई बार जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर, भाषा के ऊपर कई प्रकार की टिप्पणी की। हमने तो हमारे नेता को उस वक्त भी देखा है कि जब थाना जल रहा था, भिवंडी जल रही थी, तब यहां के हमारे मुस्लिम भाई को बचाने का काम, संरक्षण देने का काम भी हमारे नेता ने किया। ये बात मैं आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तिथि अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के गुरुलक्ष में मैं यहां पर ये बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज को भी यहां पर यही कहा जाता था कि मुस्लिम दृष्टा इस जाति का नेता, उस जाति का। ऐसा नहीं, जब कल्याण के सुबेदार की बहु हवस के रूप में उनके सामने जब पेश की, तब हमारे राजा के मुंह से शब्द निकले, अगर हमारी माता इतनी थी तो हम कितने सुंदर होते। यानी हवस के रूप में आपके सामने जो पेश किया जाने के बाद उसको माता के रूप में देखने वाला हमारा राजा, आदर्श राजा, इस देश का राजा। वैसे हमारे नई मुंबई का राजा जिसने लगातार 40 साल तक इस नई मुंबई को सींचा है और इतना विकास काम किया है। कई लोगों की मजबूरी होती है दादा, यहां वहां भागते हैं तो भागने के ऊपर हमको कुछ टिप्पणी भी करनी है। वो गाना भी है ना, लौट के आजा मेरे, क्या बोलते, कौन सा गाना है वो, कोई लौटेंगे कोई जाएंगे, वो बात नहीं है। लेकिन मैं जाते जाते इतना जरूर कहूंगा, यूपी में कहां बा, गोरखपुर में के बा, और नई मुंबई में के बा दादा, तो नई मुंबई में। और हमारे दादा ने कभी दादागिरी नहीं की है। आप आड़ोस पड़ोस में जाके देखो, झुग्गी झोपड़ी वाले को कितना दादागिरी का सामना करना पड़ता है। हमारे दादा ने कभी दादागिरी नहीं की है। दादागिरी हो करते जो गिरे हुए होते हैं। हमारे दादा ना किसी को नजर से गिरने देते हैं, ना खुद गिरा हुआ काम करते हैं। इसलिए लगातार इतने सालों हम उनके साथ है, साथ थे, साथ रहेंगे। दोस्तों, चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, हमें कई लोग आपको इस प्रकार से आज देश प्रगति के राह पर जा रहा है, उसी प्रकार नई मुंबई एक अलग ऊंचाई छूने जा रही है। आज झोपड़पट्टी के बारे में कुछ लोगों के मन में कुछ भी हो, लेकिन जिस सीवरेज लाइन का यहाँ पर आज शुभारंभ किया गया, उसके चलते आपके घर में शौचालय होंगे, आपके घर घर में नल होगा, आपका जीवन सुदृढ़ बनेगा, स्वच्छ बनेगा, सुंदर बनेगा। आपके यहाँ निर्माणाधीन कई कार्य है, जैसे कि शिक्षा के लिए यहाँ पर स्कूल का निर्माण होने जा रहा है, ऐसे कई निर्माणाधीन कार्य है, वो दादा की देन है। दादा, मैं इतना ही कहूंगा क्योंकि हमें दादा को सुनना है। और देखना, जो परदेशी भाई है, कोई कागज पे कोई अगर कोई साइन कर रहा है तो जरा सावधान रहिए। चेतनती है ना टीवी से, कोई कागज मत दो, कोई कागज पे साइन मत करो, पता चला कि अपना झोपड़ा ही कहने नाम पे कर लिया। ऐसे कुछ नहीं होगा, जब तक दादा यहाँ है कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन हमको भी सावधानी बरतनी चाहिए, वोट का समय आएगा तब देखा जाएगा। कुछ लोग घर में बैठ के भी बोलते हैं, दादा हम हमारे आपके साथ है, मैं एक घंटे से देख रहा हूं कितनी जनता यहाँ पर खुश है।
बैठने की जगह नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जिस कार्य का शुभारंभ हुआ है वो कार्य जल्द ही पूरा होगा। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।